कैसे भूल सकते हैं 2008 की जन्माष्टमी को। भगवान कृष्ण के जन्मदिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व पूरे हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का पर्व है और जगन्नाथ की धरती उड़ीसा में तो ये विशेष आनंद का दिन रहता है। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं 2008 की जन्माष्टमी को, जब उड़ीसा की धरती पर वनवासियों की सेवा करने वाले एक महान संत, जो वर्षों से वनवासी बालकों के बालिकाओं के शिक्षा का, उनको संस्कार देने का, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का सतत प्रयास कर रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ही 2008 को ईसाई मिशनरियों के इशारे पर कुछ दुर्दांत नक्सलवादियों ने और ईसाई मिशनरियों ने मिलकर उस महान संत स्वामी लक्ष्मणानंद जी की क्रूर हत्या कर दी थी। कंधमाल के उनके आश्रम में छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई, वह वास्तव में पूरे हिंदू समाज के लिए चुनौती का विषय है। आखिर क्या कसूर था उनका? उन्होंने वनवासी बालकों के भविष्य की चिंता की, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं इस बात की चिंता की, उन्होंने उनको संस्कार देने की, शिक्षा देने की चिंता की। यह ठीक है, उनके प्रयास से धर्मांतरण रुक गया था, लेकिन धर्मांतरण होना ही भगवान जगन्नाथ की धरती के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। पादरी पोप का पालक नान सिस्टर एनजीओ बिशप ये यहाँ से निकल जाएगा तो बस एक जिला ठंड पड़ जाएगा। ये एरिया को स्वतंत्र खिचतान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, भगवान ने हमको हिमालय से भेज दिया, वो रुक गए। इसीलिए स्वामी जी भगाओ या हम लोग ईसाई स्थान बनाएंगे, मैं जब तक जिंदा हूँ तुमको करना नहीं दूंगा और यहाँ से भगा दूंगा। उन्होंने सेवा की थी धर्मांतरण को रोककर, और उसके बदले में वो उनको जान से मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बच्चों के सामने कर देंगे। सफेद वस्त्रों की आड़ में छिपे हुए ये भेड़िए आज संपूर्ण वनवासी समाज ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए चुनौती है। मैं अपील करता हूं उड़ीसा के वनवासियों से, भगवान जगन्नाथ के प्रेमियों से, उनके पुत्र और पुत्रियों से, स्वामी लक्ष्मणानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने इस भगवान जगन्नाथ की धरती से ईसाई मिशनरियों के काम का सफाया करें और जो हमारे भाई बहन बिछड़ कर वहां गए हैं उनको वापस लेकर आए। उनकी पहचान कोई विदेशी धर्म नहीं, अरे जो भगवान जगन्नाथ के पुत्र हैं उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, उन्हें भगवान जगन्नाथ के चरणों में वापस लाना और इन षड्यंत्रों को बंद करना, यही स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।